इंशाल्लाह अन करीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। डिटेल्स फिर इंशाल्लाह जब आएंगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तमाशा चल रहा है। जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। थैंक यू सर। मुरिस, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनके उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्माद है।